नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। और जिस तरीके से अगर फिलहाल झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड में लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं का भी जो आवाज है वो हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। अलग अलग संगठन जो है वो अपने अपने स्तर से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी की नौकरी की बात है तो किसी के वेतन का सवाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रदीप जी, जो कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के अध्यक्ष हैं। और इनकी पुरानी मांग जो है वो हम सबसे पहले आपको बता दें कि इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों से हमारी नौकरी ना छीनी जाए। हम लोग केंद्र सरकार के अधीन नहीं, हम लोग राज्य सरकार के अधीन काम करते आ रहे हैं और हम लोगों से अब जो नौकरी है क्यों छीनी जा रही है। चंद्रदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोगों की वार्ता जो है वो मुख्यमंत्री से कराने की बातें आ रही थी और आप लोगों ने अपना जो पूरा प्रदर्शन था, पूरा जो धरना था, वो इसीलिए स्थगित किया था क्योंकि आप लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोगों को 5 तारीख तक बातचीत करा दी जाएगी, लेकिन वो वार्ता आज तक नहीं हुई। जनवरी जो है वो खत्म होने को आ गया। देखिए, हम लोग जो है जिस समय विनोद पांडे जी से, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं, उनसे हम लोगों का वार्ता, पहला वार्ता 28 दिसंबर को हुई थी। और उस वार्ता में उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी से आप लोगों का वार्ता करवाएंगे, तो 8 जनवरी को हम लोगों का वार्ता का डेट था और हम लोगों ने वार्ता किया और 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय गए थे। उस समय चौबे सर से बातचीत हुई थी और बहुत विस्तार पूर्वक उनसे बातचीत होने के बाद जो है उनके द्वारा जो है सभी मांगों को मैंने मानते हुए उन्होंने बोला था कि इस पर जो है बहुत जल्द जो है हम माननीय मुख्यमंत्री तक जो है खबर पहुंचाएंगे और आप लोगों को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का जो है अभी आपका 18 जनवरी को हम लोगों का जो है वार्ता आपका पंचायती राज निदेशक जो हैं मैम से हम लोगों की वार्ता हुई, जिसमें भी हम लोग 18 सदस्य प्रतिनिधि मंडल गए थे। और उसी दिन उनसे वार्ता करने के बाद हम लोग विनोद पांडे जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव के पास आए थे। और उसके बाद फिर बोला गया कि हम लोग को थोड़ा समय दीजिए और काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और सभी मांगों पर जो है हम लोग विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखे और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के सारा मामला उनके संज्ञान में है और ग्रामीण विकास मंत्री जी आदेश विभाग को दे चुके हैं। हम लोगों का संकल्प भी बन रहा है, हम लोगों का कुछ मांग को मान लिया गया है जो कैबिनेट में जैसा निदेशक मैम के द्वारा जो बोला गया सभी लोगों के बीच में, तो कैबिनेट में अब हम लोगों का जो है प्रस्ताव जाएगा और हमारी मांगों पर घोषणा सरकार करेगी। चंद्रजीत जी, कल क्योंकि 24 जनवरी को यानी कि कल के ही दिन कैबिनेट की बैठक रखी गई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी, तो क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि कैबिनेट में ये पूरा प्रस्ताव आना है, तो कल कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है। देखिए, कैबिनेट कल का जो कैबिनेट है उसमें चूँकि इतना जल्दी तो हम लोगों का नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों से मांगा गया था समय 1.5 महीने का, मैंने उस दिन के वार्ता में 18 जनवरी के वार्ता में, तो हम लोगों ने एक अपना संगठन के द्वारा जो है एक डेट हम लोग निर्धारित किए हैं और सरकार को भी हम लोगों ने समझिए कि सूचना दिया है कि 10 फरवरी तक अगर हमारी मांगे पर ठोस पहल कार्रवाई नहीं होती है, अगर घोषणा नहीं होती है, तो हम लोग पुनः जो है 10 फरवरी के बाद मतलब कि 11 फरवरी से हम लोग फिर धरना में बैठ जाएंगे। और बहुत उम्मीद है इस बार हम लोगों का काम जरूर होगा क्योंकि हमारी जो मांगे थी वो सभी मांगों को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा मान लिया गया है और कोई ना कोई सरकार विकल्प निकाल रही है, रास्ता निकाल रही है। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी, उन तक भी हमारी बात पहुँची है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हमारी मामला गई हुई है, हम लोगों का मांग, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो है सकारात्मक माने उनका पहल है और उन्होंने भी आदेश दिया है जिसमें विनय कुमार चौबे जी के द्वारा भी विभाग को सूचना दिया गया कि जितना जल्दी हो इन लोगों का विकल्प निकाला जाए और कैबिनेट में लाया जाए ताकि इन लोगों का मांग को पूरा किया जाए। और बहुत विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी धरती माने यहाँ के स्थानीय हैं, झारखंड के धरती पुत्र हैं
और कहीं ना कहीं जो है इनसे एक उम्मीद हम लोगों का शुरू से ही लगा हुआ था, क्योंकि जिस तरह से जब जब इनका कहीं कहीं कार्यक्रम होता था और जब जब हमारे जिला के प्रतिनिधि मंडल इनसे मिलते थे, तो इनके द्वारा हमेशा जो है एक चीज़ को जरूर बोला गया है कि समय लगेगा जरूर पर करेंगे ज़रूर। माने उनका जो ये था, माने कभी भी हम लोग के प्रति नकारात्मक उनकी भावना नहीं रही है, भलो इतना समय लग गया नहीं मिल पाए अभी, पर हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि वो तभी मिलेंगे जब हमारा मांग पर पूरा पेपर वर्क जब विभाग के द्वारा हो जाएगा और जब घोषणा होना रहेगा तो निश्चित तौर पर जो है माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों से मिलेंगे। लेकिन चंद्रदीप जी, अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से देखा जाए तो फिर अब से कुछ ही महीनों की अगर बात करेंगे तो आचार संहिता पूरे देश में लग जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। तो आप लोगों को साफ तौर पर कहा गया है कि 10 फरवरी तक का आप लोगों को समय दिया जाए, और फरवरी माना भी जा रहा है कि फरवरी एंड तक जो है वो लोकसभा की घोषणा हो जाएगी, तो उसके बाद तो फिर ये चीजें कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। देखिए, ये बात सच है कि समय तो काफी हम लोगों को दिया गया, और चूंकि देखिए हम लोगों ने भी जो है सरकार के साथ समझौता के मूड में हर बार हम लोग अपना पहल किए हैं कि हम लोग हर बार, माने चूंकि हमारा, देखिए हमारा मकसद या हमारा संगठन का मकसद ये नहीं है कि सरकार के साथ हम लोगों को लड़ाई लड़नी है या सरकार को डिस्टर्ब करना, ये हमारा कोई मकसद कभी ना रहा था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। हम लोग जो सरकार के योजनाओं पर जो काम करते थे अपने पंचायतों में, हम लोग क्या थे, क्या काम करते थे, हम लोगों का बहाली क्या था, ये हमने झारखंड की वर्तमान सरकार को बताई। 2 साल कोरोना में हम लोग काफ़ी प्रयास किए, पर उस समय तो जीवन सबको बचाना था, इसके लिए हम लोग भी थोड़ा सा जो है बच बचा के काम किए, पर इस कोरोना के बाद लगातार हम लोग संपर्क में थे सरकार से मिलने का, अपनी बातों को पहुँचाने का, और कई बार हम लोग पहुँचाए भी हैं। मुख्यमंत्री जी का जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ है सब जगह हम लोग मिले हैं और वो अच्छी तरह से अवगत हैं। अब रहा बात कि देखिए फरवरी में अगर आचार संहिता लग भी जाता है तो देखिए सच्चाई क्या है, मैं आपको बता दूं, सरकार वचन दे रही है, सरकार आश्वासन दे रही है, तो हम लोग मान रहे हैं। और अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा बोलकर अगर नहीं किया गया तो इसका अंजाम तो आप भी जानते हैं कि झूठ बोलने का अंजाम होता क्या है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम जैसे युवाओं को बेरोजगारों के साथ अगर छल करती है सरकार, तो निश्चित तौर पर इसका उल्टा परिणाम चुनाव में आएगा। लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर एक और सवाल है कि आप लोगों को लगातार समय दिया जा रहा था और मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि हम सभी लोगों से मुलाकात करेंगे, जो भी परेशानी है वो हम तक पहुँचाइए, और आप लोग कोशिश करते हैं तो आपको उन तक पहुँचने भी नहीं दिया जाता। ये भी तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिली, चाहे वो विधानसभा की तस्वीरों जब आप लोग वहाँ पर मिलने के लिए जाना चाहते थे लेकिन आप लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, आप लोगों को कई प्रतिनिधि जो विधायक हैं उन लोगों ने भी कोशिश किया कि विधानसभा में मिलवा पाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। देखिए ये बात सच है, पहला मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सरकार में जितने लोग बैठे हुए हैं, मतलब जितने भी विधायक मंत्री जो भी बोलिए, कहीं ना कहीं सरकार को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के विषय में समझने में वक्त लगा सरकार को, और जो इनके, मैंने कहने का मतलब है कि जो इनका क्या उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री जी का जो इनको सलाह या मशवरा जो लोग देते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के विषय में गलत जानकारी और गलत सूचना दिए हैं, जिसका नतीजा है कि इतना समय जो है लगा है। अब सरकार को ही समझाने में हम लोगों का, सोच लीजिए कि 198 दिन हम लोग आंदोलन किए हैं और 198 दिनों में अब हम लोग सरकार को समझा पाए हैं कि भाई हमारा जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वो आपके विभाग में है, पेपर आपके विभाग के पास में है, आप पेपर को निकालें, बढ़िया से उसको रीड करें, बढ़िया से उसको पढ़ें और देखें कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग हैं या फिर किसी संगठन के लोग हैं या फिर किसी पार्टी के। हम लोग किसी पार्टी और किसी संगठन से लगाव भी नहीं रखते हैं, हम लोग सरकार का आदमी हैं, सरकार के दिशा निर्देश पर काम करने वाले लोग हैं, सरकार के द्वारा जो जो योजना पर हम लोगों को आदेश आज तक दिया गया सभी काम को किए हैं। ऐसा नहीं है कि इस सरकार में हम लोगों ने काम नहीं किया, उसका भी हमारे पास चिट्ठी, हमने इस सरकार में भी काम किया। क्या काम किए होंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर आप लोग के इस सरकार के अंतर्गत क्या ऐसे कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें आप लोगों ने सरकार की मदद की है? देखिए पहला तो इस सरकार में, सरकार आपके द्वारा ये पहला राउंड नहीं चल रहा है, आप भी जान रही है शायद तीसरा राउंड, तीसरा फेज का था ये सरकार आपके द्वारा। इससे पहले 2
बार हम लोग सरकार आपके द्वार में सरकार की योजनाओं पे कैंप में हम लोगों ने काम किया है। बजाबते वीडियो सर के द्वारा, डीसी सर के द्वारा जो है चिट्ठी भी निकाला गया था कि इस कैंप में स्वयं सेवकों का भी सहयोग लिया जाए। तो सरकार आपके द्वार में हम लोग काम किए हैं, पेंशन उनसन का जितना फॉर्म भराया वो सब हम लोगों ने भरा है। और उसके बाद जो है सरकार के बाकी कामों में भी, जैसे किसी तरह का सर्वे वगैरह भी निकला है, उस काम को भी हम लोग किए हैं। पर हाँ, ये सच कि इस सरकार में थोड़ा सा काम हम लोगों से कम लिया गया था, पूर्ववर्ती सरकार की अपेक्षा, माने उनके अपेक्षा इस सरकार में काम कम लिया गया। और इसी चीज़ को देखते हुए, चूँकि अगर देखिए जिस तरह से पिछली सरकार हम लोगों से लगातार काम ले रही थी, हम लोगों को जो है प्रोत्साहन राशि समय पे जो दिया जा रहा था, अगर यही चीज़ इस सरकार में कंटिन्यू रहता तो शायद हम लोगों को आंदोलन भी नहीं करना पड़ता। पर चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के समय ही एक कार्यक्रम किए थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग आंदोलन पर उतरे क्यों। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विश्वास और बहुत भरोसे के साथ तमाम संविदा कर्मी और जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सबके साथ एक कार्यक्रम किए थे सौराय भवन में, चूँकि मैं खुद भी मौजूद था उस कार्यक्रम में, और पारापारी सभी दल के लोग, मैंने सभी संगठन के लोग मिल रहे थे उनसे। जब मेरी पारी आई तो हम लोग भी जो है 10 की संख्या में थे, हम लोग उनसे मिले, अपनी बातों को बताया, सारा फाइल लेके गए थे उनको विधिवत, जो अपने रूम में थे उन बैठे हम लोगों के साथ बातचीत किए, फाइल देखे, फाइल पढ़े, और स्पष्ट तौर पर उनके जो मुँह से जो संवाद निकला उनका यही कहना था कि ये सादा पेपर में की गई बहाली है, जिसका कोई मैंने ये औचित्य नहीं है। मैंने ये हमारी जो सरकार आएगी, हम 6 महीने के अंदर में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को मानदेय लागू करेंगे, सेवा स्थायीकरण का प्रक्रिया अपनाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा आप जितने भी तमाम लोग हैं सबका हम लोग एक कल्याण करेंगे। हम लोग कहीं ना कहीं आपका जो मांग है हम लोग उसको जो है पूरा करेंगे। देखिए, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों का नाम से अगर सरकार को परेशानी है तो उस नाम को भी बदल दिया जाए, आप लोगों की ये भी एक मांग यहाँ पर सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी के लिए तो हम बताएं आपको कि सरकार को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के विषय में कुछ लोग गलत बताए थे। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कभी कभी कि सरकार के ही लोग, जो चाहे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या फिर मान लीजिए उनका जो सलाहकार हैं जिस तरह का भी, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के विषय में गलत सरकार को बताया गया था, मुख्यमंत्री जी को गलत बताया गया था। पर इस बात को हम लोग जब विनय चौबे जी से मिले थे तो उनसे भी हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि सर आप ही बताएं कि हम लोग जो है सरकार के आदमी हैं या फिर किसी पार्टी का, तो वो खुद बोले कि नहीं, ये तो मेरे समय में ही बहाली हुई थी। उस समय चूँकि पंचायती राज के सचिव वही थे मैंने चौबे सर ही, तो उनको पूरा जानकारी हम लोगों के विषय में, और उन्हीं के आदेश पे जो है सारा प्रक्रिया चालू हुआ। उसके बाद माननीय जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनको भी एहसास हो गया कि नहीं, ये लोग पंचायत के प्योर स्थानीय लोग हैं और वहाँ के एकदम मतलब कि पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं और ये लोग सरकार के कामों पर काम करते हैं। मैंने ये समझाने में हम लोगों को वक्त लगा और सरकार को समझने में वक्त लगा। देखिए, क्योंकि खुद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ये बात कही थी कि आप उनके अधीन नहीं आते, यानी राज्य सरकार के अधीन नहीं आते, ना पंचायती राज विभाग के अधीन आते, आप लोग पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बहाल किए गए हैं। तो आप लोगों का नियुक्ति देना या फिर जो भी यहाँ पर चीजें निकल कर आई कि आप लोगों को वेतन मिले या फिर मानदेय दिया जाए, आप लोगों को परमानेंट किया जाए, ये सभी चीज़ें जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है। देखिए, यही बात हम आपको फिर से बता रहे हैं कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को समझने में उनसे चूक हुआ। हम लोग उनको जब अपना टोटल फाइल, माने जब सर पिछली सरकार का काम का और जो इस सरकार में जो कुछ काम निकला था उसका हम लोगों ने उनको चिट्ठी उट्ठी दिखाया और उनको समझाया, सभी बातों को हम लोग बताए। अब जाके उनको लग रहा है कि नहीं, ये केंद्र का नहीं, ये राज्य के अधीन ही ये लोग हैं, और अब जाकर जो है उनके द्वारा जो है बोला जा रहा है कि नहीं, बहुत जल्द जो है हम आप लोगों के प्रति जो है विकल्प निकाल रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग के प्रति जो है हम लोगों का चिंता है और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत चिंतित हैं। वो कई बार हम लोग से रिक्वेस्ट भी कर चुके थे कि धरना को आप लोग समाप्त कीजिए, अपने अपने घर जाइए, काम पे लगिए, सभी योजनाओं पे आप लोगों को काम पे हम लोग लगा दे रहे हैं। मैंने उनके द्वारा अनुरोध किया गया था, पर चूंकि मांग हम लोगों का पूरा नहीं हुआ है जिसके चलते हम लोग जो है धरना को समाप्त नहीं किए हैं। अभी सिर्फ जब वार्ता हुआ तो हम लोग स्थगित किए हैं। 10 फरवरी से पहले अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होती है राज्य सरकार के द्वारा तो निश्चित तौर पे हम लोगों का आंदोलन फिर से चालू होगा। और एक चीज़ निश्चित तौर पे हम बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर एक सरकार
रोजगार सृजन के नाम पे 18,000 लोगों का बहाली कर सकती है, चाहे वो सादा पेपर में करे या रंगीन पेपर में करे, पर कहीं ना कहीं हम लोगों को रोजगार तो दिया गया था, रोजगार से जोड़ा गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी अपील करता हूँ, अभी की झारखंड की वर्तमान सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर आपके नज़र में लगता है कि पिछली सरकार ने हम लोगों को ठगा है, तो कम से कम आप हम लोगों को न ठगें। आपने जो वादा किया है आप उस वादा को ज़रूर पूरा करें। हम लोगों को ज़रूर जो है आप कहीं ना कहीं जो हमारा जो मांग है, जो हम लोगों ने सोचा है, इस सरकार से जो उम्मीद किया है, उस उम्मीद पे खड़ा उतरना होगा राज्य सरकार को। ये अनुरोध है हम लोगों का। और हम लोग कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी हम लोगों को लेके सार्थक पहल कर रहे हैं, आदेश भी विभाग को दिया गया है, इसके लिए हम लोग माने धन्यवाद भी करते हैं, पर यही विनती करते हैं कि थोड़ा सा जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय से हम लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं और काफ़ी आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है हम लोगों को, और सरकार भी डिस्टर्ब हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज आप देख रहे होंगे कि पंचायत में जो काम दिखना चाहिए, जो काम होना चाहिए समय पर, वो पूरा काम नहीं हो पा रहा है। अभी आपका अबुआ आवास इतना बढ़िया योजना चल रहा है, अगर अभी हम लोग कार्यरत रहते तो हमको अबुआ आवास के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भी जो पत्र है वो लोगों को यहाँ पर देने का काम किया है, तो अबुआ आवास को लेकर के आप जब बता रहे हैं, तो आप लोग जब सड़कों पर बैठे हुए हैं तो आखिर इसमें तब किन लोगों ने काम किया है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि आप लोग ये सारी चीज़ों पर काम करते हैं, पेंशन हो, चाहे आपका आवासीय बनाना हो, सभी चीज़ों फॉर्म जो है वो अलग अलग तरीके से आप ही लोग पंचायत में ये काम करते हैं, तो अभी फिलहाल ये सारे काम किस कौन कर रहा है? देखिए अभी मुझे बोलने में जरा भी संकोच नहीं है, पर मैं एक चीज बता देता हूँ, ये योजना सरकार का बहुत अच्छा योजना है, पर हम लोग जब आंदोलन में बैठे हुए थे, मैं आज पूरे दावे के साथ इस बात को बोल सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अबुआ आवास का जो सूची तैयार हुआ है, उस अबुआ आवास के सूची में बहुत बड़ा जो है ओलझोल है। ओलझोल कहने का मतलब क्या है कि बहुत ऐसे जो दलाल लोग थे जो पंचायत में हावी थे, वो कहीं ना कहीं उनको मौका मिला और वो लोग मिलकर अबुआ आवास में गलत लोगों का नाम का सिलेक्शन हुआ है पैसा लेकर। अभी अगर ये जांच की जाए तो अगर कई सारे लोगों का यहाँ पर आवेदन खारिज भी किया गया, ऐसे जो फॉर्ज जो पेपर्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इस पर आपको बता रहे हैं कि खारिज बहुत जेन्युइन लाभुक लोग का भी किया गया है, क्योंकि वो लोग पैसा नहीं दे पाए थे, इसी के लिए उन लोगों को खारिज किया गया, और जिसको खारिज करना था वो आज भी लिस्ट में बने हुए हैं। तो खैर ये बात की बात है, वो तो ऐसे भी सरकार इस पर जांच पड़ताल करके ही देगा, और ऐसा नहीं है कि किन्हीं का नाम अगर अबुआ आवास में आ गया है तो उनको 100% मिलना, ये भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी प्रक्रिया है, एक सूची बनना, एक ग्राम सभा बनना, ये सारी प्रक्रियाओं के बाद भी सरकार का एक अपना पावर है, वो अपना जो जांच दल जो बैठाएंगे, अपना जो टीम बनाएंगे, तो वो स्थल जांच भी होगा, और स्थल जांच में भी अबुआ आवास के जो लाभुक लेने लायक नहीं है उनका निश्चित तौर पे नाम हटेगा। पर हाँ, इतना ज़रूर हम बता देंगे कि इसमें अगर हम लोग आंदोलन पे ना रहते तो शायद हम लोग जेन्युइन तरीके से इन लाभुकों को हम लोग सामने लाते और उन्हीं लाभुकों को हम लोग आवेदन करवाते जो एकदम जेन्युइन है। तो यहाँ तो गड़बड़ हुआ है हम लोगों के आंदोलन में रहने से। देखिए, आंदोलन में रहने से कई सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हुई हैं, और जिस तरीके से 10 फरवरी तक का आप लोगों को समय दिया गया है, लेकिन इसी बीच ईडी की भी कार्रवाई चल रही है चंद्रदीप जी, और इसके वजह से आप लोगों की मुलाकात भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं हो पा रही थी, और कई सारी ऐसी परेशानी जो है उसका सामना आप लोगों को भी करना पड़ रहा है। देखिए, ईडी अपना कानूनी तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सही हैं, इसके लिए सब चीज़ का सामना भी कर रहे हैं और वो करेंगे भी आगे सामना, और जो गलत होता है वो डरता नहीं है, अगर मुख्यमंत्री जी के ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई गलत नहीं है तो ये ज़रूर सामना कर रहे हैं और करेंगे भी। अब रहा बात कि हम लोगों का, तो कहीं ना कहीं यही सब के कारण से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पा रहे थे, पर अब चूंकि मामला बहुत क्लियर होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, और बहुत उम्मीद है कि इस बार मुख्यमंत्री जी हम लोगों से जरूर। लेकिन क्लैरिटी तो आप लोगों को उस दिन भी मिली थी जब आप लोग विधानसभा, जब आप लोग माफ करिएगा, सचिवालय का भी घेराव करने के लिए गए थे, मंत्रालय का जब आप लोग घेराव कर रहे थे, उस दौरान भी आप लोगों की मुलाकात आलमगीर आलम से हुई थी, और उस समय भी उन्होंने कहा था कि आप लोगों की फाइल को मैंने
आगे बढ़वा दिया है, मैंने आगे बात कर ली है और बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों को ये खुशखबरी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन वो भी बीत गया और उसके बाद फिर लगातार आप लोग मिल रहे थे, तो बार बार जो आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है, आप लोगों से भी मिल रहे हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं कि आपके फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है, बस ये पेज फंसा हुआ या ये पेज फंसा हुआ, यही चीज आप लोगों को लगातार कही जा रही है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि 10 फरवरी से पहले आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी, क्योंकि 10 फरवरी में भी समय ज्यादा नहीं बचा है। बिल्कुल, देखिए एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूँ कि अगर वाकई में किसी भी राज्य में, हमारा झारखंड के अलावा हम अन्य राज्यों का भी बात करते हैं, अगर सरकार जहाँ पे एक पार्टी की होती है ना, वहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई होती है, ये हम लोगों ने एहसास किया है। अगर यहाँ भी सरकार, मान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का चाहे कांग्रेस का ही एक सरकार होती तो इतना समय नहीं लगता, पर चूंकि यहाँ पे दिक्कत क्या हो जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी अलग पार्टी से हैं, आलमगीर आलम जी अलग पार्टी से हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इस दो पार्टी के चक्कर में हम लोग पिसा जा रहे हैं। माने चूँकि हमारा कहना ये है सीधा तौर पर कि अगर काम करना है, मांग को पूरा देना है, तो फिर इतना विलंब नहीं लगना चाहिए किसी के लिए भी। ये ऐसा नहीं कि पंचायत सचिवालय स्वयं के लिए हम बोल रहे हैं, देखिए सरकार का भी एक अपना अधिकार होता है और माने मुख्यमंत्री या सरकार में बैठे हुए लोगों को भी एक सोचना चाहिए कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग कौन है, आखिर अपने स्टेट के ही लोग हैं, बाहर के तो लोग नहीं हैं, और मांग कर रहे हैं तो क्या मांग कर रहे हैं, एक बार संज्ञान जरूर लेना चाहिए था। आज हम लोग भी इस बात को सोचते हैं कि काफ़ी लंबा समय बैठे उसके बाद जो है सरकार अब हलचल में आई है, तो खैर चलिए लेट सवेर होता है, पर इतना उम्मीद है कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी भी हम लोगों के प्रति अब चिंतित हो चुके हैं और काफ़ी आदेश दे चुके हैं सरकार को, और हम लोगों का अब काम भी होना चालू हो गया, विभाग में हम लोगों का जो है लाइनअप हो गया है, विभाग के लोगों से बातचीत चल रहा है, सचिव महोदय से बातचीत चल रहा है, निदेशक से बातचीत चल रहा है, माने सरकार के द्वारा पहल किया गया है और उम्मीद है कि इस 24 माने कल के 24 में नहीं, आने वाला जो नेक्स्ट जो कैबिनेट होगा वो निश्चित तौर पर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लिए होगा। देखिए तो कई सवाल जो हैं वो अभी भी इनके भी मन में है, क्योंकि इनका भी कहना है कि अगर 10 फरवरी से पहले अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से आंदोलन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन चंद्रदीप जी क्या लग रहा है, राजभवन के समक्ष बैठने से और जो प्रदर्शन आप लोग लगातार कई मतलब 200 दिन ऑलमोस्ट आप लोग कंप्लीट करने जा रहे थे, तो क्या लग रहा है ये सिर्फ धरना प्रदर्शन बैठने से आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी क्या, अगर ये 10 फरवरी के बाद नहीं होता और एक बार फिर से आप लोग राजभवन के पास बैठेंगे तो ये चीज़ें कैसे पूरी होंगी? देखिए हम लोग आपके माध्यम से बता दें कि हम लोगों का जो नेक्स्ट कार्यक्रम है 10 फरवरी से पहले अगर नहीं होती है तो 11 फरवरी से हम लोग अमरन अनशन करने जा रहे हैं झारखंड सचिवालय, माने जहाँ गोल चक्कर है उस जगह का जो ग्राउंड है हम लोग वहीं पे अमरन अनशन करने जा रहे हैं, और इस बार आश्वासन से नहीं हटेंगे, इस बार अमरन अनशन होगा निश्चित तौर पे, और जो भी अगर किसी भी प्रकार के किसी भी साथियों के साथ किसी तरह का घटनाएं हुई तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। देखिए यानी कि 11 फरवरी से तमाम जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के कर्मी हैं वो आमरण अनशन पर बैठेंगे अगर उनकी मांगे 10 फरवरी से पहले पूरी नहीं होती हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने चंद्रदीप जी से बातचीत की और पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों को काफ़ी उम्मीद जो है वो अभी भी राज्य सरकार से है, भले ही हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं हो पा रही है लेकिन इनका मानना है कि जो भी अभी विभाग के अधिकारी से बातचीत हुई है तो यहाँ पर निशा उराव से इनकी बातचीत हुई थी और निशा राव ने इन्हें आश्वासन दिया है कि आप लोगों की फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है और इसमें जो भी परेशानी थी उसे सुलझाया जा रहा है और किसी भी तरीके से इनकी जो नौकरी है वो खत्म ना हो इसका प्रयास राज्य सरकार कर रही है। फिलहाल इस पूरे खबर में हमारे साथ इतना ही, नमस्कार।